अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? तो दोस्तों, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि कल जो मैंने अपना व्लॉग अपलोड किया था उसमें कुछ एडिटिंग का प्रॉब्लम आ रहा था या कोई स्क्रीन का प्रॉब्लम आ रहा था। तो भाई, मुझे खुद नहीं पता था कि उसमें ये प्रॉब्लम है। एडिटिंग करते हुए कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही थी, मैंने अपनी तरफ से उसको ठीक किया था पर शायद वो ठीक हुआ नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो यार ऐसे होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं तैयार करूँगा और बिल्कुल ठीक एडिटिंग करूँगा, हर चीज़ देख लिया करूँगा। आप लोगों को बताने का शुक्रिया। तो मैंने अपने परिंदों को खोल दिया है। हमारा ये पेड़ तो माशाल्लाह से बाहर आ गया है, दाना मैंने बाहर डाला है। इनको इस तरह से कवर किया है ताकि ये बाहर आए ना, ये उड़ ना जाए। और ये देखें यार, इन्होंने अपना नेस्टिंग कितनी प्यारी तरीके से तैयार किया है, अंडे वगैरह सब कुछ। और इन्होंने अंडा दिया है कि नहीं दिया, हम अभी देख लेते हैं। नहीं, इनके बॉक्स में अंडा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उम्मीद है कि यार ये इंशाल्लाह ये ना आज अंडा दे देगी। हो सकता है अभी 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 दे दे या कुछ देर बाद में दे दे। हमारे रैबिट्स भी बाहर आ गए हैं, खाना वगैरह खा रहे हैं और इनको भी दाना हो गया, इनको भी दाना हो गया, सबका हो गया है। तो यार यही मैं चाहता था, इसी तरह से ये बाहर आए। तो अब ये देखें ना, अब ये प्यारा सा लग रहा है ना कि वो देखे, पिजन भी बाहर आए हुए हैं और ये भी यहाँ पर खा रहे हैं, वो सब भी अपने अपने दाने मसरूफ़ हैं, सब कुछ ओके हो गया है। तो यार आज मैं फ़िश को बाहर लेके आया, तो मैं कल इनका पानी चेंज करना भूल गया था और आज जब मैं इसको लेके आया हूँ तो वो देखें यार, एक हमारी फ़िश है वो मर गई है। तो मैं जल्दी जल्दी से ऐसे करता हूँ, इसका पानी चेंज कर देता हूँ और फ़िश को ये फेंक देते हैं, उसका पानी चेंज करते हैं। वो देखें ना, वो देखें, पानी गंदे होने की वजह से है, पानी में काफ़ी डस्ट है। असल में इनका पानी रोज़ के रूटीन में चेंज करना पड़ता है। कल बाद दूसरे कामों में लगा रहा, मुझे जहन से निकल गया यार इनका पानी चेंज करना था, तो जिसकी वजह से ऐसा हो गया। लेकिन अब इंशाल्लाह यार मैं एहतियात क्या करूँगा, डेली रूटीन में इनका पानी चेंज किया करूँगा। तो क्या करना था, सबसे पहले मुझे उनके केज को ज़रा सेट करना है, वहाँ झाड़ू वगैरह लगाना है, उसको सेट कर दूँ। उतनी देर में खाना खाने मसरूफ़ है और फिर उनको भी दाना डाला हुआ है। देखे ना इस तरह से दाना, जब ये बाहर आकर खाएंगे ना तो यार अंदर भी ठीक रहेंगे, ओके रहेंगे। अभी खुमरों को फ़िलहाल हम बाहर नहीं निकाल सकते इस वजह से, क्योंकि इन्होंने यार इनके पर अभी कटिंग नहीं हुए ना, जब इनके पर कट जाएंगे ना तब निकालेंगे। बच्चे थोड़े दिनों तक निकाल लेंगे, फिर देख लेंगे। तो इनकी हो गई डाइट वगैरह, इनका भी हो गया, इनका भी होगा। मैं अब उनके यार सफाई वगैरह कर देती हूँ। मैं यार थोड़ा सा काम कर रहा था यहाँ पर, सफाई वगैरह इनके कटिंग करके अंदर रख रहा था। कबूतर बाहर निकले थे, हमारा वो वाला कबूतर वहाँ से निकला और यहाँ वहाँ जा कर बैठ गया, ये ना हो को यहाँ से उड़ जाए। इसलिए यार मैं इनके पर नहीं काट रहा था कि कहीं उड़ ना जाए, लेकिन वहाँ चला गया। अल्लाह करे वापस आ जाए, मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, अगर छेड़ूंगा ये ना हो बाहर को कहीं चला जाए। वो तो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, क्या करूँ हैं, कहीं उड़ी ना जाए। वो वापस आ जाए, कैसे इसको बुलाऊं? आजा 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 इधर। जब मैं इसको देखता हूँ, तो मैं इनकी यार इनको पानी पी रहे हैं, ये पानी डाला था, मैंने कहा चलो ये इतनी देर में खा पी लें। उसको देखता हूँ यार, वो तो उड़ने की कोशिश में ही है वो। मैं इसको देखूँ यार कि उधर उड़ ना जाए कहीं, इधर करता हूँ ज़रा इसको, ये फ्लाई कर रहा है। अगर मैं पास जाऊँगा तो यार ये उड़ जाएगा, कहीं दूर ना चला जाए। वो यार उसकी कबूतरी है, वो उसके भी पर पूरे हैं, ये क्या कर रहे हैं? हालांकि मैंने यार इनके पर काट चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से, यार वो अपने कबूतरों के पास वापस आ गया। अजान हो रही है, अजान के बाद मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। तो अजान हो गई है यार, ठीक है, 10 मिनट बाद इंशाल्लाह हमें नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है। तब तक वो देखें हमारा यार वो बाहर आया हुआ है, ठीक है। उसकी जो कबूतरी है ना वो बिल्कुल अंडा देने के करीब है यार, उसने आज ही मेरे ख्याल में इंशाल्लाह अभी ना हमारे वीडियो बनाते बनाते ही अंडा दे देगी। ये यहाँ पर खेल रहे हैं, वो वहाँ पर अपनी पुरानी जगह पर चली गई है। याद होगा आपको यार, पहले भी यहाँ पर ऐसे ही चिमट जाया करती थी और खाया करती थी। और इनको मैंने इस तरह से डाल दिया है, मैंने कहा ठीक है ऐसे ही गंद में डालेंगे। ये रख देता हूँ इनके लिए, जो भी इनको चीज़ डालनी हुई ना इन्हीं के अंदर ही इंशाल्लाह डाला करूँगा। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये जो अंदर मैंने कारपेट बिछाया हुआ है ना, पता क्या, जब मैंने इस कारपेट को देखा ना तो ये कारपेट के ज़र्रे ज़र्रे से उन्होंने ना रुई रुई सी उतारी हुई थी जब मैंने अभी झाड़ू लगाया। तो ऐसे जब ये इकट्ठी करते हैं ना तो फिर भी एक साइन होता है इनका कि ये बच्चे देने वाले। तो पता नहीं अभी क्या सूरत हाल है, लेकिन हमने ये किया करना है कि यार इसके अंदर ना मैं सोच रहा हूँ एक इनका भी नेस्ट बॉक्स तैयार कर देता हूँ। एक टोकरी ले लेता हूँ, उसके अंदर जैसे वो यहाँ पर उनके लिए रखी है ना वो तिनके वगैरह से रखे हैं, वैसे अंदर रखे हैं, टोकरी तैयार करके इधर वाली साइड पर रख देता हूँ, इधर वाली साइड पर रख देता हूँ, ताकि हो सकता है यार कि उसके अंदर जाएँ आराम वगैरह कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। चलो हमारी खुमरिया बड़ी उदास सी बैठी हुई है, पता नहीं इसको क्या मसला हो गया, देखता हूँ उसको। तो ये क्या कर रहे हैं,
अब माशाल्लाह से देखें ना, हैं तो यार दो तीन कबूतर, लेकिन इंशाल्लाह ज़्यादा आ जाएंगे। खुमरों के जब पर काट दिए ना, जब खुमरे भी इसी तरह से बाहर आएंगे तो फिर देखना माशाल्लाह से कितनी रौनक लग जाएगी यहाँ पर। और यार उसके अंडे दिया है कि अंडिया हम दिया हम लोग ना, ज़रा कैमरा अंदर करके देखते हैं थोड़ा सा। नहीं अंडा दिया नहीं है, दे देगी लेकिन अभी दिया नहीं है। उम्मीद यही है कि वो दे देगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये बाहर नहीं ना आई तो इसका मतलब यही है कि इसलिए अंडा देना है तभी बाहर नहीं आएगी। हमारे रैबिट अब माशाल्लाह से खेल रहे हैं, और रैबिट से ये डर भी जाते हैं कबूतर। अब मुझे एहतियात रखना पड़ेगी ना कि कहीं ये ना हो कि ये कबूतर तो रैबिट इधर आया, कबूतर डर के वहाँ से भागे हों। याद है एक दफ़ा मेरा कबूतर नीचे लग गया था, जल्दी जल्दी भाग कर भी मुझे नीचे जाकर पकड़ना पड़ा था, लेकिन शुक्र है पर कटे हुए थे, वो उड़ नहीं सका, किसी ने पकड़ा नहीं। नहीं तो हमारा जो खुमरा यार वहाँ पर सामने गया था, वहाँ चला गया, दरख्त पर बैठा था, वो वहाँ से किसी ने पकड़ लिया था। हम कहते रहे आवाज़ें दी हमें वापस कर दो, लेकिन नहीं वापस दिया था। बस ऐसे ही करते हैं ये सब। तो चलो तुम लोग खेलो वगैरह, 5 मिनट रह गए हैं नमाज में, मैं ज़रा नमाज़ पढ़ के आता हूँ फिर आप लोगों को ज्वाइन करता हूँ। इसको इधर इनको खुला ही छोड़ दूंगा इसलिए क्योंकि बच्चे इधर ही हैं, बच्चों से कह दूंगा इनकी ज़रा थोड़ी केयर कर ले, बिल्ली ना आ जाए। तो बाय बाय, बस 5 मिनट में नमाज़ पढ़ के आता हूँ। ओके वेलकम बैक, फिर मैं आ गया हूँ नमाज़ पढ़ के। तो आते वक्त मैं ये ले आया हूँ टब, इस टब में यहाँ डालते हैं सब कुछ, इसको ये अच्छे तरीके से वॉश करते हैं इसके सारा, और सब कुछ डाल देते हैं इसमें। इसमें मैं थोड़ा सा पहले डालता हूँ पानी, पानी डालने के बाद फिर तो आपको बताना था, भूल ही गया यार, सफाई वगैरह मैंने कर ली थी शाम को, मगरिब के बाद ईशा के बाद आकर हमारा जो सेटअप है यार गंदा सेटअप होना मुझे दिल ही नहीं करता यहाँ पर ब्लॉगिंग करने। अब साफ़ सुथरा होता है ना तो फिर बहुत मज़ा आता है। चलो तो ये तो लगे हुए हैं अपने खेलने में, हम पानी भरते हैं थोड़ा सा। पानी भरने के बाद इन सबको यहाँ पर शिफ्ट करती हूँ, बहुत है इतना पानी। अब मैं ये वाली चीज़ें पहले उठा लेता हूँ इसकी, ये भी ना गंदी हुई हैं, ये भी वॉश करने वाली हैं। एक दिन ना वॉश करो तो यार मेरी बहुत थोड़ी सी रह गई है यार, आधी से कितनी 4 के 3 के 4 मर चुकी हैं मेरी फिश, थोड़ी सी रह गई हैं। फिर ये खाली कर लिया है, वो भी धो लिया, अब मैं इसको यहाँ डालता हूँ, इनको रखता हूँ वापस। ये धो लिया मैंने, इसके अंदर डालता हूँ अब पानी, इसके अंदर पानी डालता हूँ। दो तीन देर में ये जो है ना अपनी ये सैंड वगैरह यहाँ से उठाता हूँ, ये डालता हूँ। पानी डाल इसके साथ पकड़ा हूँ, बहुत चला के हाथ में नहीं आ रही हैं, वहाँ पर चली गई हैं दो, हाँ दो चली गई हैं, बाकी को पकड़ा हूँ हाथ में ही नहीं आ रही हैं यार। मैंने सोचा इसके साथ पकड़ता हूँ इनको, और इसके साथ भी कौन सा मेरे काबू में आ रही, आ गई आ गई। ऐसे ही कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि वो ये चली गई। इस तरह से ना जल्दी जल्दी से मैं इनको डाल देता हूँ यार सबको। दोस्तों इनका तो हो गया पानी चेंज, और ये हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हो गए, साफ साफ सुथरा पानी हो गया। ये भी हो गए हैं एक्टिव, माय बहुत मुश्किल से पकड़े गए हैं लेकिन पकड़े गए हैं। ये भी यहाँ पर खेल रहे हैं, इनको मैं कह रहा हूँ ऊपर चले जाओ। तो मेरे माइंड में एक बात आई जब इनको ऊपर भेजा था, ये वाले जो हमारे पेयर है ब्लैक वाला जो इधर राइट साइड पर रहता है, ये उस नेक्स्ट बॉक्स में नहीं बैठ रहा, तो क्यों मैं एक काम करता हूँ वो नेक्स्ट बॉक्स निकाल कर इनके अंदर ना रख दूँ, यहाँ पर रख देता हूँ, तो ये है ये उसके अंदर बैठ जाया करेंगे, क्या ये बात ठीक है? क्योंकि वो तो नेस्ट बॉक्स में नहीं बैठ रहे, उन्होंने तो अपने लक से किनारी वहीं पर है, वहीं पर ही इन्होंने अंडे दिए हैं, वहीं पर ये बैठे हुए हैं, ये वहाँ से हिल ही नहीं रहे, इन्होंने नेस्ट बॉक्स के अंदर बैठना ही नहीं है। तो मेरे माइंड में ये बात आ रही है, इस तरह का बॉक्स ढूंढता हूँ, अगर तुम तो मुझे इस तरह का कोई बॉक्स मिल गया तो ठीक है, नहीं तो यही वाला बॉक्स यार मैंने उठा देना। नीचे जाता हूँ जाकर यार मैं बॉक्स ढूंढ कर आता हूँ, तो बॉक्स ढूंढने के बाद अगर तुम मुझे मिल गया ठीक है, नहीं तो मैं ये वाला उठाकर वहाँ पर शिफ्ट कर देना, कोई टोकरी वगैरह कुछ भी मिलेगी तो मैंने रख देना। इनको जल्दी से अंदर बंद कर देते हैं, तो बंद करने के बाद फिश को भी मैं अपने कमरे में रख देता हूँ, फिर चलते हैं नीचे नेक्स्ट बॉक्स ढूंढ के आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे 5 मिनट बाद, आपको दोबारा ज्वाइन करता हूँ। ओके बहुत मुश्किल से यार ही अंदर आए हैं, इतने मुश्किल से अंदर आया ना कि तोबा तोबा, इनके पीछे भाग भाग कर इनको अंदर लेके आना पड़ा। हाँ जी क्या अंडा दिया कि नहीं दिया तुमने, अभी नहीं दिया यार, पहली फुर्सत में कर देते हैं हम इनको बंद कर देते हैं। चलो इनको बंद कर दिया, ये वापस उनका लेकर आया था, ये वापस उनके ऊपर डाल देते हैं। नीचे जाने से पहले मैं ऐसा करता हूँ ये यार इनके ना अंदर रख देता हूँ, क्योंकि इन्होंने खाना होगा तो खा लेंगे, वैसे ये है कि इन्होंने खाया हुआ है, अभी इनको खिलाना ही चाहिए, इनको थोड़ी देर ठहर के दोबारा से खिलाऊँगा थोड़ा बहुत। अभी नेक्स्ट वॉक तैयार करके आता हूँ, नेक्स्ट वॉक तैयार हो जाता तो ठीक है फिर इसको ना, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ तो करता ही हूँ। चलो तुम लोग अंदर चलो, चलो शाबाश, बाद में खिलाऊँगा बाद में, चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो। इनको मैं बंद कर देता हूँ, लॉक इनके ऊपर रख देता हूँ, उनका भी लॉक लगाने वाला है, अभी उनका भी नहीं लगाया, उनको भी मैं लॉक यार वहाँ पर लगाता, बंद नहीं करता अभी, अभी इसको इसको भी अंदर रखना है।
बंदे का तो उन्होंने अपना पानी गिरा लिया। ये क्या किया तुम लोगों ने, पानी क्यों गिरा दिए? पानी भी डालना पड़ेगा इनको। मैं था कि इनके पास पानी था, मैं नीचे चलता हूँ, नीचे जाके वापस आता हूँ ना तो इनको पानी वगैरह डालता हूँ। बस 5-10 मिनट लगेंगे मुझे, चले मैं नीचे से होके आता हूँ। तो यार बस यही छोटा सा मिला है, ये इनके अंदर रखेंगे, ये तो पूरा भी नहीं आएगा। हाँ ये हो सकता है कि ये उनके अंदर रख दिया जाए, जो उनका है वो निकाल कर यहाँ रख दिया जाए, लेकिन वो मुझे नहीं पूरा आएगा कि नहीं आएगा। चलो ट्राई करके देखता हूँ, इसके अंदर वही तिनके वगैरह बिछा कर ये वहाँ रखता हूँ, जब उनके बच्चे वगैरह निकल आएंगे ना तो वो इसमें सही रहेंगे, मच्छर वगैरह भी नहीं आएंगे और टेंशन भी नहीं होगी। और वो हम लोग बॉक्स वहाँ से निकाल लेते हैं और उन बॉक्स को रख देते हैं इसके अंदर, ठीक है। वैसे तो मैं ढूंढ रहा था कोई टोकरी वगैरह, लेकिन टोकरी नहीं मिली। एक टोकरी है लेकिन वो ज़्यादा बड़ी है, वो यहाँ पर पूरी नहीं आएगी, तो इस वजह से फिर यही रखना पड़ेगा। चलें देखते हैं, ये रखेंगे ना तो यार ये रैबिट ने एक मिनट में इसको ख़त्म कर देना है, क्योंकि इन्होंने इसके अंदर पूरे ही नहीं आना है, छोटे हैं ना ये। ये तो इस तरह से तैयार कर लिया है, मेरे ख्याल में ये मैं इधर रख देता हूँ, क्योंकि ये इसके अंदर कौन से अंडों के अंदर बैठते हैं। इन्होंने तो यार इसके अंदर अंडे दिए हैं ना, देने हैं, तो इसलिए इनकी टेंशन नहीं है, तो ये तो हो जाएंगे ओके। मैं ऐसा करता हूँ, वो देखो बिल्कुल अंडा देने लगी है हमारी यार, वो कबूतरी अंडा देने लगी है, वो देखिए। तो जल्दी जल्दी से मैं ऐसे करता हूँ कि इसको निकाल लेता हूँ, वो डिस्टर्ब हो रही है, अंडा देने लगी है, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। बॉक्स को निकालने के लिए ये चीज़ हमें पहले उठानी पड़ेगी, तो फिर ही बॉक्स निकलेगा। वैसे फजूल में देखे ना, वो उसके ऊपर बैठे रहते हैं, कुछ करते तो हैं नहीं है, तो इसलिए बॉक्स निकाल के मैं उसके अंदर रखता हूँ। तो मैं कैमरा ऑफ करने लगा, क्योंकि ये सब कुछ निकालना है, वो अंडा भी दे रही है, उसको परेशानी ना हो इस वजह से। तो यार मैंने इनके अंदर से बॉक्स उतारा तो ये तो परेशान हो गया, हमारा बॉक्स क्यों उठा रहे हैं। तो मैंने जल्दी से इनके बॉक्स का यूं ही रहने दिया, उनके अंदर वो छोटे वाला बॉक्स रख दिया है, तो फिलहाल वक्ती तौर पर रख दिया। अब इंशाल्लाह यार मैं ऐसे उस जैसा जैसा वो बॉक्स रखे हैं वैसा कोई बॉक्स ढूंढता हूँ, जैसे मिलेगा तो उसको इसके अंदर रख दूँगा, ताकि ये उसके अंदर आराम कर सकें, ठीक है। तो यार इनका सबका दाना पानी हो चुका हुआ है, अब टाइम भी कम रह गया है, तो हमें क्या करना चाहिए, नीचे चलना चाहिए यार? फिर मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करने लगा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। फिर इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।